सवाल ही पैदा नहीं होता। चार जल्द इलेक्शन ना हुए तो आवाम में जाएंगे, एहतजाजी जल्द से करेंगे, रैलियां निकालेंगे, शफाफ इंतखाबात ही मुआशी बहरान का खात्मा कर सकते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की बीबीसी में बातचीत इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगर नाअहल किया गया तो पार्टी क़यादत का फैसला उसी वक्त करेंगे, लोग पीटीआई के नजरिए को वोट देंगे। गवर्नर पंजाब का इकदाम अदालत में चैलेंज करेंगे, असेंबली तहलील के एडवाइस में इंतखाबात की तारीख ना लिखकर आईनी खिलाफ वर्जी की गई। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के सीनियर साफियों से गुफ्तगू, कहा अपने कई पत्ते अभी शो ही नहीं किए, नवाज शरीफ को सियासतदान नहीं मानता, नून लीग टूट फूट का शिकार है, मुल्क की माशी तबाही का जिम्मेदार इसाफदार है, पीडीएम अवाम के सामने बेनकाब हो चुकी। कौन होगा निगरान वजीर आला पंजाब, तो करोड़ों के लिए कायम 6 रुकनी कमेटी की पहली बैठक आज होगी। मियां आसम इकबाल, राजा बशारत, हाशिम जवां बख्त, मलिक अहमद, हसन मुर्तजा और नदीम कामरान 3 रोज में मुशावरत मुकम्मल करेंगे। पीटीआई ने 2 नाम फाइनल कर लिए, अहमद नवाज सुखेरा और साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब नवीद चीमा के नामों पर इत्तफाक हो गया, नसीर खान का नाम निकाल दिया गया। फैसला कर चुके हैं और लोग इमरान खान पर एतमाद करते हैं। इमरान खान तो इस वक्त लोगों की उम्मीद हैं। अगर इमरान खान साहब को माइनस किया गया तो क्या आपको मुल्क में सियासी इस्तेकाम दिखाई देता है? हरगिज नहीं रहेगा। 2023 इलेक्शन का साल होगा और 2023 तब्दीली का साल होगा। इलेक्शन और 2023 तब्दीली का साल होगा, शाह महमूद कुरैशी की बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू, कहा नून लीग ने निगरा वजीर आला के लिए जो नाम दिया शायद इस पर इतफाक ना हो, ये चाहते हैं मसला इलेक्शन कमीशन से हल हो और वो इलेक्शन कमीशन से ये वो हासिल कर पाएंगे जो चाहते हैं। हमने ये यकीन दहानी कराई है कि जो एतराज़ात जमात इस्लामी के हैं उसमें अगर कोई हम किरदार अदा कर सकते हैं तो हम वो ज़रूर अदा करेंगे। इस वक्त भी कुछ जगहों पे रिकाउंटिंग जारी है जो कि उसूलन नहीं होनी चाहिए और रिकाउंटिंग के नतीजे में काफ़ी प्रॉब्लम सामने आ रही हैं। हुकूमत अपना कोई इन्फ्लुएंस जो है वो नहीं कर रही है, तो उस पर फिर इंशाल्लाह हमारे दरमियान यही बात हुई है कि बाद में भी गुफ्तगू और बातचीत हम आगे बढ़ा सकते हैं। पीपल्स पार्टी का जमात इस्लामी से राबता, पीपल्स पार्टी के वफ की हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात, सईद गनी कहते हैं कि फैसला किया है कि पीपी और जमात इस्लामी मिलकर साथ चलेंगी, ये दोनों जमातों के लिए अच्छा है। हाफिज नईम बोले दोबारा गिनती की वजह से मसाइल सामने आ रहे हैं, तहफुजात से आगाह कर दिया है। तीन से 6 माह में शहर की सड़कों को दुरुस्त करेंगे, कराची का मेयर तो जमात इस्लामी का ही होगा। हाफिज नईम की बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू, कहा कराची की तमाम जमातों को साथ लेकर चलना चाहता हूं। 3 सीटें हमने हासिल कर ली, बाकी 6 भी ले लेंगे। वजीर आला सिंध और सईद गनी से बात हुई है, ख्वाहिश है पीटीआई वालों से भी मुलाकात कर ली। कराची में मैं ज़रा तफसील में बात करूंगा कि किस तरीके से इस मैंडेट को दोस्त ज़बरदस्ती धांधली और ताकत के इस्तेमाल से चुराने की कोशिश की जा रही है। इंतजामिया ईसीपी बेबस नजर आ रही है, इसके अंदर मैंडेट चोरी किया जा रहा है, सबको नजर आ रहा है कि मैंडेट चोरी किया जा रहा है। तो एहतजाज हुआ, हमारे तरीके इंसाफ के वर्कर जो है उनको हिरासत में ले लिया गया। पीपल्स पार्टी ने बलदियाती इलेक्शन में बदतरीन धांधली की, बेनकाब करने वालों को गिरफ्तार, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। असद उमर कहते हैं कि मैंडेट छीनने की कोशिश की जा रही है, 48 घंटे बाद नतीजे जारी नहीं किए गए। डीआरओज ने कहा हुकूमत दबाव डाल रही है, इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन बेबस नजर आया, जमात इस्लामी की सीट छीनी गई। इमरान खान का कौमी असम्बली के 7 हलकों से कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी, कप्तान मर्दान चारसदा पेशावर के हलकों से कामयाब करार, करम फैसलाबाद ननकाना कराची कोरंगी से भी इमरान खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की 7 हलकों से कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दिया था। मुश्किलों से बाहर निकलेगा और हम निकालेंगे इंशाल्लाह।
हमारे दौर में क्या हालात थे और लोग कितने खुशहाल थे और आज इसके चार सालों में लोग कितने बदहाल हुए हैं। फिर आप गुजरांवाला का जलसा भी याद करें जब मैंने कहा था कि ये खराबी ये जिम्मेदार है, ये खराबी है ये जिम्मेदार है। पाकिस्तान मुश्किलात से बाहर निकलेगा और हम निकालेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का दावा, इमरान खान पर तनकीद भी नहीं भूले। कहा इमरान खान की तरक्की सिर्फ बातों की हद तक थी, ना किसी की शक्ल छुपी हुई है ना ही किसी का नाम छुपा हुआ है। पाकिस्तान को अपनी जात के गिर्द घुमाया गया और घिनौना मजाक किया गया। पंजाब में सियासी हार के बाद नून लीग में हलचल। मरीम नवाज की वापसी निगरान वज़ीर आला की नामजदगी से मशरूत। वापसी जनवरी के आखिरी हफ्ते में मुतवक्के। मरीम नवाज इस्लामाबाद पहुंचेंगी या लाहौर, फैसला ना हो सका। मुल्क में मगरबी हवाओं की आमद, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। ठंड तेज हवाओं से सर्दी में मजीद इजाफा। पंजाब के शहरों में भी अबरे रहमत बरस पड़ी। मरी, कोयटा, ज्यारत, कला अब्दुल्ला और कलात में बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कड़ाके की सर्दी। मलका कोहसार में सूरज और बादलों की आंख मचोली, सयाहों का रश बरकरार। और मैसी की पीएसजी ने रोनाल्डो की ऑल स्टार 11 को दिलचस्प मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। 5-4 से फतह के बावजूद मैसी मैच के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड ना हासिल कर सके। रियाज में खेले गए मार्के में 2 गोल्स स्कोर करने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। उधर 22 स्पॉटर तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशन की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।